चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस वजह से देखने को मिल रहा है कि राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। यूपी इलेक्शन के प्रचार में राजनीतिक दल काफी ज्यादा जुटे हुए हैं, बड़े ही जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की दहशत के बीच चुनावी प्रचार जारी है, लेकिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चुनावी प्रचार किया जा रहा है। जी हाँ, रैलियां अब भी नहीं निकाली जा रही हैं। कोरोना के चलते वर्चुअल मीटिंग जारी है, कोरोना के चलते वर्चुअल तरीके से ही चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी दौरान देखा जाए तो नेता राजनेता काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी अपने बयानों के चलते तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी वह काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। बात की जाए राजनीति की दुनिया में मशहूर चर्चित परिवार यादव परिवार के बारे में, जहां एक तरफ भारत के राजनेता मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस वक्त अपनी बहू अपर्णा यादव के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी दामन को थाम चुकी है अपर्णा यादव, और इसी बीच कई राज खुल रहे हैं यादव परिवार को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर बात करूंगी आज यादव परिवार की बहुओं के बारे में। यादव परिवार की बहुएं जिन्होंने राजनीति की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना ली है। सो फ्रेंड्स, आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे यादव परिवार की सभी बहुओं के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति की दुनिया में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी ज्यादा गर्माया हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस वजह से राजनीति की दुनिया में हलचल और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। राजनीतिक दल लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने अब भी रैलियों को इजाजत नहीं दी है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार डोर टू डोर कैंपेन लोगों के साथ नेता कर सकते हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव प्रचार में कुछ अलग नजारे दिख रहे हैं। जी हां, वर्चुअल प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त है नेता राजनेता। बात की जाए यादव परिवार के बारे में, यादव परिवार चुनावी माहौल रिपीट। वहीं अगर बात की जाए राजनीति के रिपीट। वहीं अगर बात की जाए यादव परिवार के बारे में, यादव परिवार हमेशा की तरह इस बार भी सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक तरफ यादव परिवार ने राजनीति की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत के एक राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमांड संभाली है बतौर मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, वह भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अलग पहचान बना ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और अपने 5 साल के राजनीति करियर में उन्होंने जनता को कई सुविधाएं भी मुहैया कराई थी। जहां एक तरफ राजनीति की दुनिया में यादव परिवार के सदस्यों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, वहीं बात की जाए यादव परिवार की बहुओं के बारे में। इस वक्त यादव परिवार की बहुएं एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं।
वेल, इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करने जा रहे हैं यादव परिवार की बहुओं के बारे में, जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस वजह से अपर्णा यादव चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहुओं के बारे में, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। राजनीति की दुनिया में मुलायम सिंह यादव की बहुएं भी काफी आगे निकल चुकी हैं। अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली थी। वहीं अपर्णा यादव अपने इस कदम के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए वाकई में उनका ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है। ऐसे में मुलायम सिंह के परिवार की बाकी बहुएं भी चर्चा का विषय बन गई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे मुलायम सिंह यादव की उन ठाकुर बहुओं के बारे में, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के परिवार पर कब्जा कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रखी है। वहीं मुलायम सिंह यादव उनकी पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। मुलायम सिंह की बड़ी बहू डिंपल यादव ने भी राजनीति की दुनिया में अलग पहचान बना रखी है। वहीं छोटी बहू है अपर्णा यादव। बता दें आपको, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव की ये दोनों ही बहुएं हैं, जिन्होंने राजनीति में अपनी अलग ही पहचान बना रखी है, वहीं बात करेंगे हम ठाकुर बहुओं के बारे में। वेल, आपको बता दें, इस लिस्ट में अपर्णा और डिंपल का नाम शामिल है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पर अक्सर यादवों की पार्टी होने का ठप्पा लगा हुआ है, जो लोग सपा को एक जाति विशेष की पार्टी कहते हैं, लेकिन वे गलत हैं। इसे सिद्ध कर देती हैं मुलायम सिंह के परिवार की हकीकत। जी हां, मुलायम सिंह का परिवार जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहा है राजनीति करियर को लेकर। मुलायम सिंह यादव की तीन बहुएं हैं जो ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को सबसे पहले उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव के बारे में। डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, डिंपल यादव मुलायम परिवार की बड़ी बहू है, अखिलेश यादव की पत्नी। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए मुलायम सिंह यादव की बहुओं के बारे में। ठाकुर हैं और राजनीति की दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ दी है। वेल, देखना दिलचस्प होगा अपर्णा यादव के राजनीति करियर को, क्या कुछ करके दिखाने वाली हैं अपर्णा यादव। इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।